छतरपुर से अपराध जगत से जुड़ी दो खबरें हैं। एक तो गुंडे बदमाश दहशत पैदा करने के लिए अवैध हथियारों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ऐसा ही एक वीडियो फिर सामने आया है। दूसरा, दबंगों ने अपने रसूख की दम पर कुछ लोगों की लाठी डंडों से पिटाई लगाई। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। छतरपुर में अवैध हथियारों के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लोगों में दहशत फैलाने की मंशा से युवक सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ वीडियो पोस्ट कर लोगों में दहशत फैला रहा है। महाराजपुरा क्षेत्र का युवक अवैध देसी कट्टे के साथ दिखाई दे रहा है। छोटू पटेरिया नाम के युवक ने यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी आपके माध्यम से और अन्य स्रोत से पता लगा कि कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाम छोटू पटेरिया लिखा हुआ आ रहा है। संभवतः वो महाराजपुर क्षेत्र के हैं, तो थाना प्रभारी महाराजपुर निर्देशित किया गया है, इसको वेरीफाई करें और उस अनुसार फिर इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुरानी रंजिश को लेकर लवकुश नगर थाना क्षेत्र के परसानिया में लाठी डंडे चले, हाथ में लाठी डंडा लिए मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 5 लोगों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट में तीनों लोगों की हालत गंभीर हो गई है। दबंगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पीड़ितों ने SP को आवेदन दिया है। 11 लोगों ने मिलकर हमें मारा है, जिसमें से हमारी 8 लोगों की FIR दर्ज की गई है और पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही थी लवकुश नगर थाने में। जब हमने अब मारपीट का वीडियो दिखाया है तब हमारी FIR दर्ज की गई है। 5 लोग हम गंभीर घायल हुए हैं और पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है लवकुश नगर थाने की, तो हम न्याय चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।